दोस्तों आईपीएल 2020 शुरू होने में तो अभी समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले होने वाला मिनी ऑक्शन हाल ही में खत्म हुआ है और सभी टीम ने बहुत सारे नए खिलाड़ी खरीद लिए हैं। तो 2020 के लिए नया टीम भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों सभी टीम्स का फैन काफी वेट कर रहे थे आईपीएल 2020 के लिए उनका पसंदीदा टीम का फुल स्क्वाड जानने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के फुल स्क्वाड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी आईपीएल का फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों केकेआर के टीम ने नीलामी में 17.15 करोड़ में 9 खिलाड़ी खरीद के आईपीएल 2020 के लिए फुल तैयार हो चुके हैं। तो पहले बात करें बल्लेबाजों के बारे में तो नंबर एक पे है शुभमन गिल। शुभमन गिल दोस्तों केकेआर के टीम के रिटेन हुए खिलाड़ी है और इस साल केकेआर के तरफ से ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है और उसके साथ नंबर दो पे उतर सकता है इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी टॉम बेंटन। जी हाँ दोस्तों काफी दिनों से लग ही रहा था टॉम बेंटन को केकेआर टीम खरीद कर ही छोड़ने वाला है, पर मजे की बात टॉम बेंटन के लिए बोली इतना दूर तक नहीं गया और केकेआर टीम को आराम से 1 करोड़ में मिल गया। उसके बाद नंबर तीन पे है भारतीय नए खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों राहुल त्रिपाठी को केकेआर टीम ने आरसीबी के साथ फाइट करते हुए 60 लाख रुपए में खरीद चुका है। मेरे हिसाब से इतने प्राइस में राहुल त्रिपाठी काफी अच्छा बाय हुआ केकेआर टीम के लिए। नेक्स्ट नंबर चार पे है नीतीश राणा। नीतीश राणा दोस्तों केकेआर के रिटेन हुए खिलाड़ी है और उसके बाद नंबर पांच पे ओएन मर्गन। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा था केकेआर ओएन मर्गन के लिए 4.5 से 5 करोड़ तक जरूर देने वाला है और आखिरकार ओएन मर्गन को केकेआर टीम ने फिर से एक बार 5.25 में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। ओएन मर्गन के आने पे केकेआर टीम के मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत बन चुका है। उसके बाद दोस्तों नंबर छह पे है ट्रेडिंग के जरिए इस साल टीम में शामिल किया हुआ खिलाड़ी सिद्धेश लैड। नेक्स्ट उसके बाद नंबर सात पे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भी इस साल केकेआर के तरफ से रिटेन हुए खिलाड़ी है। उसके बाद नंबर आठ पे दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक भी इस साल रिटेन हुए खिलाड़ी है और शायद कप्तान रहने वाले है या फिर नए खिलाड़ी ओएन मर्गन भी कप्तान हो सकता है। और आखिर में बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर नौ पे निखिल नायक। तो दोस्तों ये काफी चौंका देने वाली बात लगी कि रिलीज करने के बाद भी फिर से एक बार निखिल नायक को 20 लाख रुपए में केकेआर खरीद चुके हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है कि केकेआर के टीम ने बैकअप विकेट कीपर के लिए उनको खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। तो दोस्तों ये तो गया बल्लेबाजों की लिस्ट। आप बात करें ऑलराउंडर्स के बारे में तो नंबर एक पे है केकेआर के रिटेन हुआ खतरनाक खिलाड़ी आंदे रसेल। उसके बाद नंबर दो पे है ऑस्ट्रेलिया के नए खिलाड़ी क्रिस ग्रीन। दोस्तों केकेआर ने इस खिलाड़ी को काफी समझदारी के साथ सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। और आखिर में नंबर तीन पे है सुनील नारिन। सुनील नारिन दोस्तों केकेआर टीम के रिटेन हुए खिलाड़ियों में से है और इस साल के आईपीएल में भी दिखने वाले हैं। तो दोस्तों आप बात करें गेंदबाजों के बारे में तो नंबर एक पे लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन को केकेआर टीम ने इस साल रिटेन कर चुके हैं और उसके बाद नंबर दो पे आता है सबसे ज्यादा कीमत में खरीदा हुआ गेंदबाज पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस को लेकर आरसीबी और दिल्ली के बीच में काफी फाइट हुआ, उसके बाद अचानक केकेआर टीम ने 15 करोड़ में एंट्री मारी और सबसे बड़ा रकम 15.5 करोड़ में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं और पैट कमिंस बन चुका है आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कीमत पे खरीदा हुआ खिलाड़ी। उसके बाद नंबर तीन और चार पे शिवम मबी और कमलेश नागरकोटी। तो ये दोनों युवा खिलाड़ी को केकेआर इस साल रिटर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पांच पे है नए खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को पीयूष चावला के रिप्लेसमेंट के लिए खरीदने का मन बना लिए थे और आरसीबी के साथ काफी दूर तक फाइट चला, देन उनको 4 करोड़ में खरीद लिए। नंबर छह और सात पे है प्रसिद्ध कृष्णा और संदीप वाड़ियोर। तो ये दोनों भी केकेआर के रिटर्न हुए खिलाड़ियों में से है और इस साल का आईपीएल केकेआर टीम के तरफ से खेलने वाले है। उसके बाद नंबर आठ और नौ पे है प्रवीण तांबे और मणिमरम सिद्धार्थ। तो दोस्तों इन दोनों को ही केकेआर के टीम ने इस साल के नीलामी में 20 लाख रुपए में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। और आखिर में दो खिलाड़ी है कुलदीप यादव और हैरी गार्नी। ये दोनों भी केकेआर टीम द्वारा इस साल रिटेन हो चुके हैं, यानी कि केकेआर पिछले साल के गेंदबाजों के ऊपर काफी भरोसा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के 2020 के लिए फुल स्क्वाड। आप अपना पसंदीदा प्लेइंग 11 नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।